गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी सो के उठे हैं भाई साहब, टहल रहे हैं भाई, चले जाओ नहाने, तो तैयार होके निकले फिर। और 10 बजे फोर्ट खुल जाता है। अभी प्लान यही है कि जितनी जल्दी हो सके तैयार होकर बस निकलना है। 10:30 बजे तक निकलने का पूरा प्लान है। तैयार हो रहते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये तो कल वाली ही टी शर्ट है। कल वाली तो यार फिर से पहन नहीं सकते, तो परसों वाली ही पहन लेते हैं। ये टी शर्ट सही है। बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है। ये है फ्रंट साइड, ऐसे ही एक बालकनी का तरफ है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसके पीछे फोर्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। एंड चलते हैं सीधे वहीं पे। सेन तैयार हो रहा है, सेन तैयार हो जाए। सो आई एम फाइनली ऑल सेट एंड रेडी टू गो। एंड द वेदर इज टू मच प्लीजेंट। बहुत ही अच्छा मौसम, ये हर बार होता है। मौसम विजिट नहीं होते, मौसम हमेशा साथ होता है। ये मेरी किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत है। थैंक्स टू द किस्मत। तुम्हारा हो गया हो तो चले भाई, सही बात है। वॉज अ वेरी लॉन्ग राइड है, अपने होटल से निकल के बगल वाले होटल में। होटल में ऑप्शन नहीं था ब्रेकफास्ट का, कॉम्प्लीमेंट्री, तो अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ये फूड कोर्ट है कोई, कौन सा है पता नहीं, क्या मिलेगा। नीमराना प्लाजा, क्या मिलेगा वो भी पता नहीं। काफ़ी सुंदर और सुशील फूड कोर्ट है। विंडीज भी है, बताओ। सो फाइनली ब्रेकफास्ट आ चुका है। कौन सा कॉम्बो है? 4 for 144। ये 4-in-1 कॉम्बो ये मेरा भाई साहब का, खाते उसके बाद में। सो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट एंड अच्छा था, नो डाउट। विंडीज में मैं शायद पहली बार बैठा था, तो गुड। मैकडी से तो बेटर है बर्गर वहाँ पर, मैकचिकन से अच्छा कुछ नहीं। कांड हुआ है, जानकारी तो एटलीस्ट ग्राहक को मालूम है कि इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सब लोग तो वापस ही जा रहे हैं, ज्यादातर लोग सब वापस ही जाएंगे भाई, फंक्शन है उसमें प्राइवेट पैलेस है, क्या करें। और क्या ऑप्शन है, पैसा भी खर्च करने को तैयार है कि ले लो यार। सब लोग एनीवेज घटना घट चुकी है, जगह अच्छी थी नो डाउट। पता नहीं ये गुंबज दिख रहा होगा सही आपको, दिख तो रहा ही होगा मुझे, दिख रहा है तो। तो नीमराना फोर्ट में आया और यहाँ पे ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हो रही है फंक्शन पार्टी। आउटसाइडर्स अभी अलाउ नहीं है इस वीकेंड के लिए। तो यहाँ पे ये होटल है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो MMT में आपको ऑप्शन, मिकमे ट्रिप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ से ये बुक करने के लिए। रूम्स ऑलमोस्ट मैंने 2 लोगों के लिए चेक किया था, तो 12,000 रुपये के आसपास इंक्लूडिंग टैक्सेस, 12,000 के आसपास रूम पड़ रहा था पर नाइट। और अगर आप ऐसे ही आते हैं, ऑनलाइन बुक नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बफे सिस्टम है पूरा पैलेस घूमने के लिए। वो आपको वीकडेज में 1700 के आसपास का होगा प्लस टैक्सेस, और वीकेंड में 2000, ये इंक्लूडिंग टैक्सेस है। तो ये है यहाँ का फंडा, जो कि हम नहीं देख पाए, नाम आपको दिखा पाए, बट ये इन्फॉर्मेशन था जनरल जो मैंने आपको बता दिया। ये फोर्ट का एक साइड है,
अंदर से तो पॉसिबल नहीं हो पाया, सोचा बाहर से दिखा दूं, क्योंकि 1800 किलोमीटर आने के बाद ये पोपट किसी को ना मिले, बहुत ही अमेजिंग है। कुछ नहीं तो 15 से 18 टेक तो लग ही गए होंगे, बट एट लास्ट आई डिड इट। प्लीज गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ग्रीन लोटस ढाबा, ये पहला ब्रेक, निकल चुके हम लोग वहाँ से नीमराना से दिल्ली की तरफ। कुछ काम तो था नहीं नीमराना में इसलिए, और अभी कुछ कॉफ़ी वगैरह, मौसम बहुत बढ़िया है। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, और प्लान ये था कि आज मुझे ट्रेन पकड़नी थी, अनफॉर्चुनेटली टिकट कंफर्म नहीं हुआ, RSC 32 का था, इसीलिए मैंने फ़्लाइट बुक किया है कल की इमरजेंसी में, और आज रात को यहीं है सेन के यहाँ रेस्ट करूँगा ज़्यादातर, क्योंकि थक गया हूँ बहुत ही ज़्यादा, और अब ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है कि मैं और कुछ करूँ, तो इसीलिए रेस्ट होगा, चिल करेंगे। मुझे पता है कि जो एक्सपेक्टेशन था, जो दिखाने वाला था मैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखा पाया। बट ये मेरा रूम था, मैं जहाँ मैं यहीं पे रहता था पहले, ये सारे कर्टन्स मेरे लगवाए हुए थे, और यहीं पे गद्दा मैं रखता था, ये सेल्फ, ये और ये मेरा शेल्फ था, बट फॉर्चुनेटली अब ये सीन का है शायद वही यूज़ करता है, ये और साइड वाला, ये वाला। सो एनी वेज हम ऑल रेडी एंड सेट, तो मैं निकल चुका हूँ अब फ्लाइट के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहाँ से फिर कोलकाता, 7:25 की फ़्लाइट है। अनफॉर्चुनेटली से नहीं आ पाया, और आज से ऑड एंड इवन शुरू हो चुका है दिल्ली में, तो अगर आता भी तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी से मुझे छोड़ नहीं पाता, आज इवन डे है और उसका गाड़ी का नंबर प्लेट ऑड है। तो अब मुझे मेट्रो से जाना है, तो मेट्रो में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मना होता है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सीधे एयरपोर्ट में मिलते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं अभी, और एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ मैं, गलती हो गई क्योंकि IGI एयरपोर्ट डायरेक्ट उतरना चाहिए था ब्लू लाइन पे, बट मैं वॉलेट लाइन लेके टर्मिनल 1 पे उतरा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से मुझे बस पकड़ना होगा आधे घंटे का, उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट पहुँचूँगा टर्मिनल 2 में, वहाँ से फिर मेरी फ़्लाइट है। 7:25 की फ़्लाइट है, 6 बज रहा है, 1.5 घंटा बचा हुआ है इसमें, अभी तक बोटिंग भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बट क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखते हैं। इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त होते ही हम आपको सूचित करेंगे, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। सो फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद नाउ आई हैव बूटेड द फ्लाइट, तो फ्लाइट भी वैसे 35 मिनट लेट है, शायद लेट है इसीलिए मैं पकड़ पाया, अगर लेट नहीं होती तो आज तो फ्लाइट भी छूट ही जाती। पहली गलती जो मैंने कर दी वो मैंने IGI टर्मिनल 1 की मैंने मेट्रो पकड़ ली, IGI एयरपोर्ट की जगह, वहीं पर सब खेल ख़राब हो गए। उसके बाद फिर जो मेरा मेन लगेज है वो भी मेरे साथ ही यहाँ तक आया फ्लाइट को, फ्लाइट के बाद फिर उसको अब वापस बैगेज में रखेंगे, और बोर्डिंग के टाइम मैंने बैगेज सबमिट नहीं किया था। एनीवेज फाइनली हियर, हम प्रस्थान के लिए तैयार हैं, सभी स्थल कर्मचारियों से निवेदन है कि वे विमान से उतरे, धन्यवाद, वी आर रेडी फॉर डिपार्चर। मे
May we have your attention, please? In preparation for landing, we request you to kindly return to your seats now. So finally I have reached to the airport और अभी tripod connected नहीं है unfortunately वो tripod टूट गया मेरा आज आते ही तो अगर shake ज़्यादा हो रहा है I'm extremely sorry for that पर आज मैं सही में थक गया इतना ज़्यादा कान दर्द होता है ना मतलब plane में मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद plane की जर्नी पर तब भी मजबूरी थी करनी थी ये समझ नहीं आता बिना मतलब के इतना बड़ा बड़ा एयरपोर्ट क्यों बनाते हैं लोग कोई नहीं finally I think I got it. So finally अब मैं घर पे पहुंच चुका हूँ 11 बज रहा है बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज सही में और फ्लाइट की जर्नी कितनी भी छोटी हो टायरिंग बहुत ज़्यादा लगती है तो वही हुआ शरीर पूरा टूट चुका है बट एनी वेज ये वीडियो बस यही तक था और ये पूरे सीरीज़ का लास्ट वीडियो है सो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है अगर आपने सारे सीरीज़ देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और बाकी देखिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं एंड 300 पार कर चुका हूँ 500 तक पहुँचा दीजिए प्लीज़ तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ज़रूर कीजिए नीचे लाल कलर का बटन है दिया हुआ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर मेंशन है थैंक यू लव यू ऑल